फाइन एंड सेफ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अंकिता गोयल दिस साइड। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूंगी, आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो नायका की हॉट पिंक सेल गई है उसमें से मैंने कुछ मेकअप और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लिए थे वो मैं शेयर करूंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को। मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ मार्स कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स लिए थे और मैंने माइग्लैम पर, आप लोगों को पता ही है उनकी ऐप और वेबसाइट पर ऑफर चलते रहते, कुछ मैंने प्रोडक्ट्स लिए थे। और मुझे जो जुलाई मंथ में उनकी पीआर किट, जो मैं माइग्लैम एक्सो ब्यूटी क्रिएटर हूँ, उसमें जो प्रोडक्ट्स मिले थे वो सब मैं दिखाने वाली हूँ वन बाई वन। तो मेरे हाथ में जो एक बास्केट है उसको देखकर ही आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं आज की हॉल वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखा, आप लोगों को काफी सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसमें से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज किए हुए हैं तो उनका मैं थोड़ा रिव्यू भी कर दूंगी आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया है नायका की हॉट पिंक सेल से वो है नायका की ये डिओड्रेंट वंडरलस्ट वाली, और इसका जो वेरियंट मैंने लिया है वो है कंट्री रोज। तो ये वाली जो नायका की डिओड्रेंट है इसका रिटेल प्राइस 280 है, तो मुझे ये डिस्काउंट में मिल गई थी काफी अच्छे। तो ये जो कंट्री रोज वाली डिओड्रेंट मैंने अभी तक यूज नहीं किया, इसमें आपको आई थिंक 6 to 7 वेरियंट मिल जाते हैं। मैं परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आप लोगों को अभी चाहिए तो मैं इसको यूज करके ही बताऊंगी कि ये कैसी है डिओड्रेंट। तो मुझे ट्राई आउट करनी थी, तो रोज का तो पता ही समर सीजन और रोज की फ्रेग्रेंस तो अच्छी होती ही है, तो यूज करके ही पता चलेगा कैसी है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरे नायका के हॉट पिंक सेल में ये सीक्रेट टेम्पटेशन की डिओड्रेंट, ये TMO एक्वा वाला वेरियंट है और ये भी 150 ml है, ये भी मुझे डिस्काउंट में मिल गई थी। तो ये मैंने अभी तक यूज नहीं किया, आप देख सकते हैं सील्ड है, ये यूज करने के बाद ही मैं बता पाऊंगी कि कैसी है ये वाली डिओड्रेंट। तो देखने में तो मुझे अच्छी लग रही है, एक्वा की तो समर सीजन के लिए अच्छी होती है। तो नेक्स्ट जो है मेरी नायका के हॉट पिंक सेल में प्रोडक्ट्स वो है फ्लावर ब्यूटी के सेटिंग स्प्रे। तो ये जो फ्लावर ब्यूटी के सेटिंग स्प्रे हैं ये दोनों अलग वेरिएंट्स हैं, एक हाइड्रेटिंग वाला और एक मैट सेटिंग स्प्रे है। तो इनका जो रिटेल प्राइस है दोनों का 600 है ईच का, तो ये मैंने डिस्काउंट में लिए थे 50% ऑफ में, तो मुझे ये 300 ईच की कॉस्ट पड़ गई थी। तो ये जो हाइड्रेटिंग वाला फ्लावर ब्यूटी का है यार मैंने यूज किया तो अच्छा लगा मुझे, तो ये जो मैट फिनिश वाला सेटिंग स्प्रे यूज करना बाकी है, तो मैं इसको जल्दी यूज करके आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। तो इन दोनों की शेल्फ लाइफ जो है 2024 तक है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरे नायका के हॉट पिंक सेल में से जो मैंने लिए हैं ये पेयर्स के बॉडी वॉश कॉम्बो में थे, तो मुझे अच्छे हैवी डिस्काउंट में मिल गए थे। तो एक तो इसका जो वेरिएंट है ये सॉफ्ट एंड फ्रेश वाला, सेकंड जो वेरिएंट है ये नेचुरल वाला, ये दोनों मैंने अभी तक यूज नहीं किए हैं, आप देख सकते हैं दोनों के ऊपर अभी सील्ड है। ये दोनों की जो क्वांटिटी है वो 250 ml है और रिटेल प्राइस भी ज्यादा नहीं है, दोनों का रिटेल प्राइस 180 to 200 में ही है। तो इनको मैं यूज करने के बाद इनका रिव्यू जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने वैसे पेयर्स के पहले जो सोप आते थे वो मैंने यूज किए हुए हैं, अच्छे होते हैं, तो बॉडी वॉशेज मुझे पसंद है, तो मैं इनको जल्दी यूज करूंगी और आप लोगों के साथ इन दोनों का रिव्यू शेयर करूंगी। तो ये जो पेयर्स के बॉडी वॉशेज है अफोर्डेबल भी है, अगर आप लोग इनको सेल में लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नॉर्मल भी लेते हैं तो 180 में 250 ml ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरी नायका की हॉट पिंक सेल में पैराशूट एडवांस का बॉडी लोशन, इसकी जो क्वांटिटी मैंने लिए 400 ml और ये मुझे काफी अफोर्डेबल प्राइसेज में मिल गया था, आई थिंक 135 में बहुत हैवी डिस्काउंट में था। वैसे तो इसका जो ओरिजिनल रिटेल प्राइस है 299 है, तो मुझे आई थिंक ये बहुत 50% ऑफ में मिल गया है आई थिंक, या फिर उससे ज्यादा। तो ये बॉडी लोशन काफी अच्छा है, ऑल स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है, समर एंड विंटर बोथ सीजन में आप यूज कर सकते हैं बॉडी लोशन को, और मॉनसून सीजन में भी यूज कर सकते हैं, लाइट वेट इसका टेक्सचर है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरी नायका की हॉट पिंक सेल में ये निका के की आई शेडो पैलेट, मुझे काफी टाइम से ट्राई आउट करनी थी, तो आज मैंने जो आई मेकअप किया ये वाली आई शेडो पैलेट से किया। वैसे तो इसका रिटेल प्राइस 700 है, मुझे 50% डिस्काउंट में मिल गई थी। तो इसका जो वेरियंट है ओ हनी, आपको इसके अंदर काफी सारे वेरियंट मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज लिंक आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगी। तो ये जो आई शेडो पैलेट है काफी अच्छी है, मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए आई शेडो पैलेट, ये कुछ ऐसी लगेगी, काफी सुंदर पैलेट है, कलर रेंज भी अच्छा है। तो आज मैंने जो आई मेकअप किया मुझे ये आई शेडो पैलेट अच्छी लगी, पिगमेंटेशन भी अच्छा है, बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये आई शेडो पैलेट अफोर्डेबल है, अगर आप लोग 50% डिस्काउंट में लेते हैं इस आई शेडो पैलेट को और आप ट्राई कर सकते हैं। मैं इसके और जो वेरियंट्स है वो जरूर ट्राई करना चाहूंगी, इसमें जो और कलर शेड्स हैं,
तो वो काफ़ी अच्छे हैं। एक प्लम वाली है, एक ओशन ब्लू करके है, तो वो मुझे और ट्राई करने हैं इसके वेरिएंट्स। बट एक ही मैंने अभी फर्स्ट टाइम ट्राई आउट किया, तो मुझे ये ओ हनी वाला भी अच्छा लगा। लास्ट जो प्रोडक्ट है मेरी नायका के हॉट पिंक सेल में, ये फ्लावर ब्यूटी का ब्लश, तो ये भी मैंने 50% डिस्काउंट में लिया था। तो इसका जो वेरिएंट मैंने लिया है पीच, इसके अंदर आपको 3 to 4 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, तो ये मुझे 350 में मिल गया था। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं कितनी क्यूट पैकेजिंग है, कन्वीनियंट ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है। तो ये वाले जो ब्लश है इसके अंदर आपको 6 फ्रेम प्रोडक्ट मिल जाता है। मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैंने अभी तक ये यूज़ नहीं किया है, यूज़ करने के बाद मैं बताऊँगी ये ब्लश कैसा है। तो ये देखिए पीच कलर का शेड काफ़ी प्रिटी सा है, मैं यूज़ करने के बाद ही बता पाऊँगी कैसा है। देखने में मुझे अच्छा लग रहा है, पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने नायका की हॉट पिंक सेल से एक और प्रोडक्ट लिया था, मैंने फ्लावर ब्यूटी का एलिमिनेटिंग ब्रॉन्जर लिया था, वो भी 50% डिस्काउंट में था, बट वो अभी तक शिप भी नहीं हुआ है, पैक नहीं हुआ। आई थिंक वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, मुझे नहीं लगता मेरा प्रोडक्ट आ पाएगा। अगर मैं उसका वेट करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती, ये हॉल वीडियो। तो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी उस प्रोडक्ट को यूज़ करके आप लोगों के साथ उसको शेयर कर दूंगी, बता दूंगी कि वो प्रोडक्ट कैसा है अगर वो मेरे पास आ जाता है तो। तो मैंने जो मार्स कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स लेते फ्लिपकार्ट से, 3 मेकअप प्रोडक्ट्स लेते, तो फर्स्ट मैंने जो प्रोडक्ट लिया था ये प्राइमर है मार्स कॉस्मेटिक का, ये इट्स ग्लो क्लॉक प्राइमर है। तो इस पर ब्रांड ने लिखा हुआ है कि लॉन्ग लास्टिंग शीर कलर ड्यू स्किन एंड हेल्दी ग्लो वाला प्राइमर है। तो इसकी मैं पैकेजिंग आपको दिखा देती हूँ, ये मुझे 170 में मिला था, आई थिंक 170 ऑफ में था ये इसका प्राइस। वैसे तो इसका रिटेल प्राइस जो है वो 249 है ये वाले प्राइमर का। तो ये देखिए आप ऐसे ट्यूब साइज पैकेजिंग में आएगा, तो पैकेजिंग कन्वीनियंट है, जेल वाला टेक्सचर है। तो मैंने आज इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया, मुझे नहीं पता ये क्या प्राइमर है। मैंने जब इसको अपने स्किन पर फेस पर अप्लाई किया तो मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्किन इतनी ज़्यादा स्टिकी हो गई थी, स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था और मेरी स्किन पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगी, तो ये प्राइमर मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। तो ये जो मार्स कॉस्मेटिक का प्राइमर है इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने रीड आउट करे, तो इसके अंदर ग्रीन टी है, नाइसिनामाइड है, वाइटमिन ए एंड वाइटमिन सी है, हेलुरोनिक एसिड एंड वाइटमिन ई है। तो मुझे नहीं पता ये प्राइमर क्या है, मैं इसको और 2-3 बार यूज़ करूँगी तो मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन में कैसा लगा, तो मुझे ये प्राइमर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझे अभी तक तो ये वेस्ट ऑफ मनी प्रोडक्ट लग रहा है ये मार्स कॉस्मेटिक का। तो मैंने पता नहीं किसी की वीडियो में देखा था शायद कि ये प्राइमर अच्छा है, ग्लो मुझे लगता है थोड़ा बहुत ऐड करेगा स्किन पर, बट ये प्राइमर बहुत ज़्यादा स्टिकी, ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट लिया था मार्स कॉस्मेटिक का, ये वंडर हाइलाइटर, पैकेजिंग आप देख रहे हैं, पैकेजिंग इसके ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आएगा, तो इसका जो रिटेल प्राइस है 249 है, तो मुझे ये 200 में मिल गया था डिस्काउंट में। तो इसका जो मैंने शेड लिया था गोल्ड, और इसके अंदर आई थिंक आपको 2 to 3 शेड मिल जाएंगे, बट मैं आपको शेड अभी दिखा देती हूँ पहले तो कि ये शेड क्या शेड है। तो ये देखिए आप इसकी मेन पैकेजिंग देख लीजिए, मैं अब इसकी शेड आप लोगों को दिखा देती हूँ कि गोल्ड शेड है या नहीं। ये देखिए ये शेड आपको कहाँ से गोल्ड शेड लग रही है, मुझे तो ये शेड बिल्कुल भी गोल्ड नहीं लग रही है। पैकेजिंग अच्छी है, प्राइस भी अफोर्डेबल है, बट ये हाइलाइटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, बटर के जैसे नहीं है, और कोई पिगमेंटेशन भी अच्छा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शेड इतनी बेकार शेड है, कॉपर शेड है, मुझे ये शेड बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ना गोल्ड है ना शैम्पियन शेड है। मैं इसका हैंड स्वच करके दिखा देती हूँ, और इसका जो शेड है वो कॉपर शेड मुझे लग रहा है, और ये पाउडरी फॉर्म में ये वाला हाइलाइटर, ये देखिए ये तो बिल्कुल भी अच्छा शेड नहीं है, और मुझे लगता है फेयर टू मीडियम स्किन टोन पर बिल्कुल भी शेड मैच नहीं होगा। अभी मैंने जो मेकअप किया हुआ उसमें यही वाला हाइलाइटर यूज़ किया, बिल्कुल भी पॉपअप नहीं हो रहा है ये, और मैंने हैंड पर भी स्वेच किया है, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल भी पॉप नहीं हो रहा है ये वाला हाइलाइटर। इसका शेड ही कॉपर है, गोल्ड तो ये कहीं से भी नहीं है ये शेड, पता नहीं क्यों ब्रांड ने गोल्ड लिखा हुआ है पैकेजिंग पर, बट ये गोल्ड शेड नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अच्छा शेड नहीं है ये वाला। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मैंने मार्स कॉस्मेटिक का काफ़ी सारी वीडियोस और काफ़ी जगह देखने के बाद लिया है, ये है मार्स कॉस्मेटिक का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, इसमें आई थिंक आपको 2 to 3 शेड्स मिल जाएंगे। मैंने इसका आई थिंक व्हाइट वाला ये शेड लिया है, इसके अंदर आपको बनाना वाला भी मिल जाएगा येलो वाला। तो ये जो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है इसका रिटेल प्राइस है 229, जिसके अंदर आपको ओनली 6 ग्राम प्रोडक्ट मिलेगा। मेन पैकेजिंग में आपको दिखा देती हूँ, मैंने इसको बस अपनी अंडर आई को सेट करने के लिए यूज़ किया था,
तो मुझे पैकेजिंग ओके ओके लगी, पैकेजिंग मुझे इसकी इतनी कुछ अच्छी नहीं लगी। ये देखिए, ये इसकी मेन पैकेजिंग है ट्रांसल्यूशन पाउडर की, और ये मैट वाला है, ब्रांड ने ऐसे लिखा हुआ है। ये देखिए, इसके अंदर आपको ऐसे पफ मिल जाएगा, मार्स कॉस्मेटिक यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पफ को हटाने के बाद ये है ट्रांसल्यूशन पाउडर, इसके ऊपर एक कैप है। तो ये जो होल है, यहाँ से प्रोडक्ट नहीं आता है ट्रांसल्यूशन पाउडर, आपको एक कैप ओपन करना पड़ेगा। तो ये मुझे नहीं पता ये होल्स किस लिए हैं ये, तो इसमें से प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये प्रोडक्ट भी क्वांटिटी मुझे लेस लग रही है, और ये पाउडर फॉर्म में है, तो मुझे लगता है फिर से रिपर्चेज करना पड़ेगा। बट ओके है, ठीक है, मुझे ये डिस्काउंट में मिल गया था, और मैं इसको यूज़ करने के बाद ही बता पाऊंगी कि कितना अच्छा है ट्रांसल्यूशन पाउडर। तो अब मैं माइग्लेम वाले प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ, वही लास्ट होंगे जो मुझे पीआर में मिले और कुछ मैंने लिए थे। तो ये माइग्लेम की क्रीमी मैट लिपस्टिक, इसमें से दो मैंने खुद से ली थी और एक मुझे पीआर किट में मिली थी। तो इसके मेरे पास तीन शेड्स हैं, मेरा एक शेड और लेना, बाकी फिर मैं अलग से रिव्यू स्वेचेस वीडियो कर दूंगी ये वाली रेंज का। तो ये जो क्रीमी मैट लिपस्टिक्स हैं अच्छी हैं, क्रीमी मैट वाला फॉर्मूला है। अभी भी मैंने इसमें से एक शेड लगाई हुई है ओल्ड फैशन, एक की मैं पैकेजिंग आपको दिखा देती हूँ, मैं स्वेच नहीं करूंगी अभी क्योंकि मेरे को अलग से वीडियो बनानी है इसकी। तो ये देखिए, पैकेजिंग क्लासी है, कन्वीनियंट स्लीक पैकेजिंग है। तो इसका जो रिटेल प्राइस वैसे तो 595 है, बट मेरे पास एक कूपन कोड है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, मैं स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो आपको 70% ऑफ मिल जाएंगे, अप टू 1000 रुपीज ऑफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो मेरे पास माइग्लेम का प्रोडक्ट है, माइग्लेम की पीएच लिप बाम, मेरे पास इसके 2-3 वेरिएंट्स हैं। तो ये वाला जो वेरिएंट मेरे पीआर किट में आया था, ये बाइट मी, ये जो माइग्लेम की लिप बाम है अच्छी है, मॉइस्चराइजिंग लिप बाम है, टिंटेड लिप बाम है, आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। तो ये लिप बाम मुझे अच्छी लगी। तो ये देखिए, माइग्लेम की लिप बाम की पैकेजिंग कुछ ऐसे है, पैकेजिंग इसकी अच्छी है, स्लीक है, कन्वीनियंट है, और मुझे लिप बाम पसंद भी है। मॉइस्चराइजिंग लिप बाम है, ड्राई एंड चैपी लिप्स के लिए परफेक्ट है लिप बाम, और जिनको टिंटेड लिप बाम पसंद है तो वो जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास माइग्लेम के प्रोडक्ट है, ये मैट आईलाइनर पेंसिल, इसमें से एक मैंने खुद से लिया था और एक मेरी पीआर किट में आया था। तो मेरे पास दो शेड्स है, मैं हैंड स्वेच करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये दोनों शेड्स आप देख सकते हैं, काफी अच्छे शेड हैं, प्रिटी शेड्स हैं, मैंने अभी तक यूज नहीं किया, मैं यूज करने के बाद ही बता पाऊंगी और कितने अच्छे हैं। तो मैंने इसका एक जो दूसरा है गोल्ड कलर का शेड वो यूज किया हुआ है, वो थोड़ा पिगमेंटेशन उसका मुझे कम लगा। ये वाले शेड मैं जब आई पर यूज करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि कितने अच्छे हैं वाले शेड्स। तो नेक्स्ट मेरे पास माइग्लेम के प्रोडक्ट से मुझे पीआर किट में मिले थे, तो ये मनीष मल्होत्रा के मस्कारा और आईलाइनर पेंसिल। मस्कारा मैंने ऑलरेडी 4-5 times यूज कर लिया है, मुझे काफी अच्छा लगा, लाइट वेट है, और ये मस्कारा आपके जो लैशेज है उनको लेंथनिंग करेगा। तो ये मस्कारा आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, ये एक्चुअली किट है 1000 रुपीज की। तो ये वाला जो शेड है ये गोल्ड कलर का शेड है, मैं इसका हैंड स्वेच करके दिखा देते हैं आईलाइनर पेंसिल का। तो ये देखिए, ये वाला जो आईलाइनर पेंसिल का शेड है काफी अच्छा है, ये वाला शेड मैंने अभी तक आई पर यूज नहीं किया है, बट हाँ ये जो आईलाइनर पेंसिल है मनीष मल्होत्रा की, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। और मनीष मल्होत्रा के जो अब तक मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स वो अच्छे ही हैं, उनकी आई शेडो पैलेट्स भी मेरे पास, वो भी मुझे अच्छी लगी, ये मस्कारा भी अच्छा है, और भी मैं उनके जो लिपस्टिक्स हैं वो जरूर ट्राई आउट करना चाहूंगी इन फ्यूचर में। नेक्स्ट जो मेरे पास माइग्लेम का प्रोडक्ट है, ये मुझे पीआर किट में मिला था, ये पोज एसटी वाला फाउंडेशन स्टिक है। इसका जो शेड है आई थिंक वो मेरा मैच नहीं हुआ है, मैंने अभी तक ये यूज भी नहीं किया है। इसकी मैं पैकेजिंग आपको दिखा देती हूँ, वैसे इसका जो रिटेल प्राइस है 599। तो ये देखिए, फाउंडेशन स्टिक है पोज एसटी की माइग्लेम, इसकी जो क्वांटिटी आपको मिलती है बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो इसकी क्वांटिटी आप पहले ही देख कर लें, अगर आप लोगों को प्रोडक्ट लेना है तो बहुत स्मॉल है, इसके अंदर बहुत थोड़ा ही अमाउंट आता है फाउंडेशन का। तो ये फाउंडेशन मैं यूज़ करने के बाद ही बता पाऊंगी कैसा है ये फाउंडेशन, और ये जो स्टिक है ये कन्वीनियंट टेल फ्रेंडली। नेक्स्ट जो मेरे पास माइग्लेम का प्रोडक्ट है, मैंने खुद लिया अभी अपने 70% ऑफ के कूपन कोड से, ये चिजेलेट पैलेट। इसके अंदर आपको 2-3 शेड्स मिल जाएंगी, बट करंटली 2 शेड्स अवेलेबल है, मेरे पास दोनों ही शेड है। तो अभी मैंने जो शेड लिया वो है फेस वैल्यू, और इसका पोकर फेस वाला मेरे को जून की पीआर किट में मिला था। तो ये जो फेस वैल्यू वाली पैलेट है ये भी अच्छी है, आज मैंने जो मेकअप किया उसमें ये वाली पैलेट मैंने यूज किया है। इसका जो शेड्स है वो अच्छे हैं, पिगमेंटेड भी हैं, बिल्डअप आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये चिजेलेट पैलेट, फेस पैलेट, इसका जो रिटेल प्राइस वैसे तो 1250 है, और मैंने अपने 70% ऑफ वाला जो कूपन कोड है वो यूज किया था, ओनली मुझे 300 में मिल गई थी।
आप भी जरूर ले सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी है, अच्छा प्रोडक्ट है। इसका साइज देख सकते हैं, बहुत ही कन्वीनियंट, ट्रेवल फ्रेंडली, आप अपने साथ इजीली बैग में कैरी कर सकते हैं। ऑल इन वन पैलेट अंदर ये तीन शेड्स आपको मिलेंगे, ये है ब्रॉन्जर, ये है ब्लश और ये हाइलाइटर। काफी अच्छे शेड है, जो ये ब्लश का शेड है कोरल वाला, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने अभी जो फेस पर मेकअप किया हुआ है, आप इसको बिल्डअप कर सकते हैं। ब्रॉन्जर का शेड भी अच्छा है, तो मुझे लगता है ये वाला फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे अच्छा लगेगा। और इसके जो शेड्स हैं वो अच्छे हैं। तो इसकी जो वैसे शेल्फ लाइफ है वो है 2 ईयर्स, तो आपको ये 2021 का ही प्रोडक्ट मिलेगा अगर आप इसको लेते हैं। देखिए, आपको अगर तीनों चीज मिल रही है और 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ है, तो मुझे नहीं लगता कुछ बुरा है इस प्रोडक्ट में। और ऊपर से आपको 1300 का प्रोडक्ट 300 में मिल जाए तो क्या बुरा है। मुझे लगता है आप लोगों को जरूर ये प्रोडक्ट ग्रैब कर लेना चाहिए 70% ऑफ वाले कूपन कोड से। मैंने खुद लिया है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ऑल इन वन पैलेट है, एज आई शेडो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ब्रॉन्जर, ब्लश और हाईलाइटर तो उसमें है। तो लास्ट जो प्रोडक्ट है आज की हॉल वीडियो में, ये मुझे माइग्लैम की PR किट में मिला था। माइग्लैम का ये रिसेंटली लॉन्च हुआ यूथफुल वाली रेंज, तो ये है यूथफुल हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग जेल विद वाटर बैंक टेक्नोलॉजी। तो ये जो मॉइस्चराइजिंग जेल है परफेक्ट है ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। इसका जो टेक्सचर है बहुत लाइट वेट है। वैसे इसका जो रिटेल प्राइस है 1095 है, जिसके अंदर आपको 50-60 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाता है। मैं इसको अंदर से ओपन करके दिखा देती हूँ। पैकेजिंग आप देख रहे कितनी सुंदर पैकेजिंग है, और पैकेजिंग ग्लास वाली है। टेक्सचर आप देख सकते हैं बहुत लाइट वेट है लाइक वाटर, और इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होगा। तो ये जो मॉइस्चराइजिंग जेल है माइग्लैम की, इसके अंदर फ्रेग्रेंस थोड़ी ज्यादा है अगर आप लोगों की सेंसिटिव नोज है। अगर आप लोगों को फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स नहीं पसंद है तब फिर आप इसको ना ट्राई आउट करें। वैसे मुझे ये अच्छा लगा और मैं इसको यूज करूंगी ज्यादा, तो इसका रिव्यू मैं जल्दी करूंगी अपने चैनल पर। सो ये थे सारे प्रोडक्ट्स आज की हॉल की वीडियो के लिए। आज की वीडियो के लिए इतने, होप आपको ये हॉल वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे वहां पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, दर्शाइनी अंकिता। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप लोगों को कोई क्वेरी या क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए बनाना पसंद करूंगी। और आप मेरी पुरानी वीडियो भी जाकर मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।